वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिखने वाले घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। सैमसंग, एक जमाना था सैमसंग को बहुत सारे लोग पसंद करते थे, पर बीच में कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स इन्होंने लॉन्च कर दिए जो हाई प्राइस के साथ सस्ते फ्यूचर्स वाले फोन थे। इससे इनका घाटा तो हुआ या फिर नहीं पता नहीं, पर लोगों की तो जरूर हुई होगी। आप में से कितने सारे लोग हो कमेंट्स कर सकते हो। इसका डायरेक्ट फायदा चाइनीज स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज को मिला जो आज भारत का नंबर वन ब्रांड बताते हैं। वो कौन सा ब्रांड है वो भी मैं ही बताऊं या फिर आप लोग कमेंट्स में बताओगे। पर आज देखा गए तो सैमसंग इनोवेशंस पे इनोवेशंस स्मार्टफोन्स में कूट कूट के भर तो रहा है, पर एप्पल के जैसे इनके फोन्स के लिए भी किडनी की जरूरत पड़ रही है, तभी तो हम लोग इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन खरीद सकते हैं, क्यों है ना। खैर, सैमसंग की नई स्मार्टफोन पेटेंट हुआ है, जल्द ही मार्केट के अंदर लॉन्च भी हो सकता है, पर हम लोगों को सारे जगह पे फोटोज और वीडियोज लेना आदत सी हो गई है। इसलिए भाई साहब, इस फोन में 144 मेगापिक्सल्स की कैमरा सेटअप मिलने वाली है और दो कैमरा सेंसर होंगे जो 80+15 मेगापिक्सल्स की होने वाली है। स्पेशली 144 मेगापिक्सल्स कैमरा से आप लोग एक DSLR जैसे फोटोज खींच सकते हो और वीडियोस की तो क्या ही बताएं। डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में हम सबको पता है, कर्व एड्स डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन ये लोग प्रोवाइड कर ही देते हैं, पर उसमें भी ये लोग 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देने में सक्षम रखते हैं और IP की तरफ से सर्टिफाइड स्मार्टफोन्स भी बनाते हैं। ये इन लोगों की टेक्नोलॉजी कहे या फिर दिमाग की चतुराई आप ही लोग बता सकते हो। अगर देखा गया स्मार्टफोन की बैटरी परफॉर्मेंस की ओर, जो सैमसंग की यूजुअली सारे स्मार्टफोन्स में 4000 या फिर 4500 mAh तक की बैटरी परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है, पर इस वाले फोन में 5200 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकती है। काफी बढ़िया बात है जो ऐसे सैमसंग कर रहा है, पर उससे भी अच्छा इस स्मार्टफोन में सैमसंग की तरफ से एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने वाली है जो 67 वोल्ट का रहेगा, जो आउट ऑफ द बॉक्स देखने के लिए शायद इस फोन में मिल सकता है। जो रिसेंटली जितने भी स्मार्टफोन्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर ही उड़ा दे रहे। खैर, आशा करते इस फोन में ऐसा नहीं होगा। USB Type-C पोर्ट और शायद 3.5 mm ऑडियो जैक देखने के लिए मिल सकता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा क्वालिटी में काफी इम्प्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। कहा जा रहा है 42 मेगापिक्सल्स की सेल्फी स्नैपर होगी जो काफी स्टेबलाइज्ड और इंप्रूव्ड इमेजेस और वीडियोस ले सकता है, क्योंकि ये स्मार्टफोन के अंदर क्वालकॉम की तरफ से आने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जन 3 वाला प्रोसेसर हो सकता है। और एक वेरिएंट्स में कहा जा रहा है शायद इनकी ही तरफ से एक चिपसेट स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल सकता है, जो एक्सोनोस कह सकते हो। वेरिएंट्स में काफी सारे रैम वेरिएंट्स मिल जाएंगे, पर मेन हाई एंड वेरिएंट की बात करें तो 8GB रैम 12GB रैम हो सकता है। 8GB रैम के ऊपर 256GB इंटरनल स्टोरेज होगी तो 12GB रैम के ऊपर 512GB इंटरनल स्टोरेज हो सकता है। दोनों में एक्सपांड करने की सुविधा दी जाएगी अप टू 256GB तक। ओवरऑल स्मार्टफोन की लुक काफी ब्यूटीफुल है, आपको कैसा लगा सैमसंग गैलेक्सी P1 के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। तो दोस्तों, बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को दिखाने के लिए शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपको और एक वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।